एक तो ये हो गए लोग कि भाई जिन्होंने साफ इनकार कर दिया, हम अल्लाह को मानते हैं ना अल्लाह के रसूल को मानते हैं, और एक वो लोग हो गए कि जिन्होंने साफ इकरार कर लिया कि हम अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह के रसूल को भी मानते हैं। पहले तो बिल्कुल इनकार कर दिया, ना अल्लाह को मानते हैं, ना अल्लाह की तरफ से कोई जो चीज उतरी है उसको मानते हैं, ना अल्लाह के नबी को मानते हैं, ना उसको रसूल मानते हैं, और जो कुछ अल्लाह ने इसको अता किया है उसको भी नहीं मानते अल्लाह। और एक दूसरे जो तुमने खुली इकरार कर लिया तुम अल्लाह को मानते हैं और हर चीज अल्लाह की मानते हैं और नबी कसम को भी मानते हैं और हर चीज को मानते हैं जो अल्लाह ने हमको दी, किसी शिकम में नहीं दी, कुरान की शिकम में या शरीयत की शिकम में। और तीसरे वो हो गए कि जिन्होंने इकरार कर लिया हम मानते हैं, लेकिन दिल में इनकार कर दिया कि हम मानते नहीं, यानी इकरार भी कर लिया और इनकार भी कर दिया। इकरार ऐसे कर लिया कि सबको पता भी है, इकरार कर रहे हैं तो मानते हैं अल्लाह अल्लाह के रसूल को, सारे उनके साथ वैसे ही ट्रीट करेंगे, भाई तो अल्लाह अल्लाह के रसूल को मानने वाले लोग हैं ज़ाहिर है, लेकिन अंदर जो है उन्होंने उस पर इकरार कर दिया। मैं अंदर उनका जो है इनकार था, तो तस्लीम नहीं किया बाउन ऐसा जैसे कि अल्लाह ने फरमाया कि तस्लीम करो। पहले को अल्लाह ताला ने फरमाया ये काफिर हैं, उनके लिए कहा गया कि काफिर हैं, दूसरों के लिए कहा गया कि हम मोमिन हैं, और तीसरे लोगों के लिए कहा गया कि हम मुनाफिक हैं। तीसरा दर्जा जो है मुनाफिक का, ना वो काफिर हैं ना वो मोमिन हैं, बल्कि उनका टाइटल अल्लाह का मुनाफिक।
जैसे कर्ज में नरसिया जिनकी जहन्नुम की जब सजा दी जाएगी उनका भी अल्लाह ताला ने अलग इंतजाम किया है इन हजरात का। अब फर्क यह है कि मोमिन भी मान रहे हैं और मुनाफिक भी मान रहे हैं, तो इनमें क्या फर्क हुआ? मान तो वो भी रहा, मान तो वो भी रहा, कहता है मैं तो मानता हूं, जब कोई मानते हैं तो आप भी उसको आने को मानता तो है ना, सिर्फ मानता है, पूरा लिबादा उड़ा हुआ उसने मानने वाला। नमाजें, रोजा, हज, जकात, सदकात सब बढ़ से एक एक बढ़ के, बाकी ये के सबसे ज्यादा बुकिंग उनकी होती है उम्रों में, रमजान में जगह नहीं मिलती, सारे पोर्टर उन्हीं के बुक किए होते हैं। हजों पर फातिमा और मीना की इन्हीं के ढेर लगे होते हैं, ये लोग होते हैं, क्यों कहते हैं मानते हैं, नमाजी भी हैं, रोजे भी हैं, हज भी हैं, सकात भी है, सब कुछ भी। और फिर ये कि ज़ैफुल अकाद जो एतकाद लोग जो होते हैं, ज़ैफुल फहम जो लोग होते हैं, सॉफ्ट जिनमें होता है समझ कम होती है, वो उन्हीं को कहते हैं कि तो बहुत पहुंचे लोग, देखो जी क्या हर साल हज पे जाते हैं, हर साल देखो जी अभी उतरे ही नहीं जहाज से, तो अगली सीट अगले उम्र की बुक होती सीट उसकी, बल्कि क्यों वीजे लगाए हुए साल साल के, छह छह महीने के वीजे लगे हैं उनके, आना जाना आना जाना, मक्का मदीना मक्का मदीना, दुख भी डरते हैं अभी तो अभी होकर आया, अभी खजूर लेकर आया, अभी पानी लेकर आया, बिजली की है, अभी वो की है, लोगों के पास इन्हीं किस्म के जो मुतासिर लोग हैं इनके साथ जो ये हक इसी दर्जे पे वो लोग हैं जिनसे मोहब्बत भी करते हैं, और इन्हीं को कहते हैं बड़े नेक आदमी, बड़ा जी बड़ी नेक औरत है, हर वे तस्वीर रख दीजिए हाथ से कुछ ही ना, गुनाह नहीं होता जिसके हाथ में बस क्या पूछते हो। तो ये इनके पास दलील होती है कि भाई ये जो है बड़े ना नवाजी हैं, बड़ा फला है तो फला है, इनको देख के वो कह देते हैं कि बड़े नेक आदमी हैं, बड़े फला आदमी। अल्लाह सुभान कहते हैं नमाजों को देखकर, इनकी चीजों को देखकर, इनकी हज और ज़कातों को देखकर, इनके सदकात को देखकर, मस्जिदों पे काबू किया है इसको देखकर, इनको मोमिन मत समझो, ये मोमिन नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं इनके कहने से कि मोमिन बन जाते आदमी, कहते हैं मोमिन नहीं है बल्कि क्या है, युखादिउनल्लाह, ये तो सबसे बड़े धोखेबाज हैं, दगाबाज हैं, जिनका अकीदा ये है कि हम अल्लाह को चक्कर दे रहे हैं सामने, बस नमाज पढ़ रहे हैं, फला जो कर रहे हैं ये कर रहे हैं, ये तो इसकी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है ये धोखेबाज हैं, ये तो धोखा दे रहे हैं, सोचते हैं अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, क्यों अल्लाह ये क्यों कहा कि खादमुल्लाह अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, इसलिए आम लोगों को तो समझा नजर आता है जी बड़े नेक आदमी है, तो उनके जहन में अल्लाह को भी ऐसे चक्कर दे रहे हैं, तो इनकी अकीदा ये है कि अल्लाह खबीर और वजीर नहीं है, वो आलिम गैब नहीं है, वो अंदर जानते नहीं किसी को, जहर ये अकीदा बन गया उनका कि अल्लाह को पता नहीं है हमारे चक्करों का, हम तो आए नहीं, इतने बड़े काजी वो झूठे और डिसीवर्स हैं ये लोग। अल्लाह ताला कहते हैं कि मर्द औरत जिनको आप समझ रहे हैं कि जहर पर नहीं जाओ, पता ही चलता है अल्लाह ने इस्लाम को बड़ा क्लियर किया है कि जहर चीज का नाम इस्लाम नहीं है। जहर हम तो नहीं किसी को कह सकते, तो अल्लाह ही बता सकता है, वो तो खबीर वजीर है, हम तो सूट मारते हैं, लेकिन उन्होंने कहा खबरदार ऐसे लोगों पास ना जाए, उसकी निशानी मैं तुम्हें बताता हूँ। अल्लाह ताला कहता है जिन नमाजियों को तुम इज्जत करो, जिन हाजियों की तुम इज्जत करो, जिन तवाफ करने वालों की तुम इज्जत करो,
जिनके तहजतों की, जिनके सदकात की, जिनके सदकात की तुम इज्जत करो, वो मैं बताता हूँ आदमी कौन है, ये नहीं है वो, उसकी फर्क मैं तुम्हें बता देता हूँ वो कौन है। तो यह फर्क किसमें हुआ, मोमिन में और मुनाफिक में, कि मोमिन मानता है और मुनाफिक भी मानता है, लेकिन क्या चीज नहीं मानता, जहां डिफरेंस आता है वो चीज नहीं मानता, अल्लाह ताला ने फरमाया है, वो चीज नहीं मानता जिसकी वजह से सारा फर्क आ जाता है और लाइन आपस में ना मानने की। वल्लज़ीन यूमिनूना मा अंज़ल अलैका वमा अंज़ल मिन क़ब्लिक, बस फर्क यही है कि वो मानता है जो जाहिर मानता है, लेकिन अंदर जो अल्लाह ताला ने जो कानून बताया है शरीयत का, उससे उसको बड़ी नफरत है, उससे बड़ी नफरत है उसको, वो तो उसके लिए ना भी सुनना पसंद नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत और सुन्नत का तो नाम ही सुनना पसंद नहीं करता, उसको तो ये वो दकानूस कहते हैं, लोगों को पागल कहते हैं, मजनून कहते हैं, जाहिल कहते हैं, उज्जट कहते हैं, इनको रहने का सलीका ही नहीं आता, इनको खाने का पता ही नहीं कैसे खाना खाते हैं, गंदे लोग, इनका पता भी नहीं है लोगों का कैसे दुनिया के अंदर रहना चाहिए। हम लोग हैं, हम जानते हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और सुन्नत के सख्त मुखालिफ लोग होते हैं, इनके सामने उनकी बात कर दिया था तो चेहरे लाल हो जाते हैं उनके, इन्होंने एक अपना दांत खुद जमा लिया, अपना दांत का खुद होता है वो नहीं, जिसको अल्लाह ताला ने कहा कि इस तरीके से जिंदगी गुजारो शरीयत कानून के मुताबिक, अहकाम के मुताबिक, वो उससे कोई ताल्लुक नहीं, उससे ताल्लुक लाओ, उससे नफरत करते हैं, उसको पसंद नहीं करते, उस पर क्रिटिसाइज करते हैं, ये हम नफाक नाफिक। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल उम्मती यदखुलून जन्नत सुभानअल्लाह, ऐलान हो गया अल्लाह के नबी की तरफ से, सब तो गिनो मेरे सारे उम्मती जो हैं वो जन्नत में जाएंगे, हरारत में जन्नत में जाएंगे। उम्मत से गलती हो जाती है, गुनाह कुछ हो जाता है, जाहिर है उसकी सजा दी जाएगी पहले उसकी, लेकिन ईमान वाला जन्नत में जरूर जाएगा, याद रखें ईमान वाला जन्नत में जरूर जाएगा, जिसके अंदर जिसके ईमान को अल्लाह ने तस्लीम कर लिया होगा, जिसको कह दिया ये मोमिन है, जिसको कह दिया ये मोमिन नहीं है वो तो नहीं जा सकता ना, उसमें मुनाफिक है। तो सुना पूरी उम्मत मेरी जन्नत में जाएगी, साफ कह दिया, कौन से क्या मियार रोज रखने वाले, आज करने वाले, उम्र करने, नहीं इसको बना ही नहीं, कुरान ने जो कह दिया कि जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस बातों में ना जाओ कि बड़े जनाब पहुंचे हैं, बड़े नेक आदमी हैं, बड़ा जमरा करते हैं, बड़ा हज करते हैं, मियार नहीं दिया अल्लाह के नबी ने उन लोगों को जो जन्नत में जाएंगे, इसके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत का क्लियर किया तो इल्ला मन अबा, सिवाय उन लोगों के जिन्हें जिन्होंने सरकशी की, सही सुना सामने पूरी उम्मत के गारंटी दी सब जन्नत में जाएंगे, पहुंच जाएंगे तो मोमिन पहुंचेगा, लेकिन काफिर और कौन से लोग, इल्ला मन अबा, वो लोग नहीं जाएंगे, उम्मती से अलग किया उसको, क्योंकि अपने आप उम्मती शामिल करते हैं ना, वही लिबादा वही शिकलो पूरा बेनिफिट लेते हैं इस्लाम के नाम पर, ये लोग चौड़े होकर बैठते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, बड़े बड़े माल कमाते हैं इस्लाम के नाम पर, इनकी बड़ी बड़ी तंजीमें चलती हैं, दुनिया को धोखा देते हैं, बड़ी बड़ी पार्टी करते हैं रमजान में, ईद पार्टी तो फलां पार्टी, तो दूसरों को क्या पता है बेचारे, जो जिनको पता नहीं है गुजरंट है, वो तो जो काफी लोगों को तो शायद यही इस्लाम है जो ये पेश कर रहे हैं। इल्ला मन अबा, सिवाय किनके, जो सरकश लोग हैं, अब तो साहबी थे ना, वो तो नुकते पूरे बयान नबी पर पूछते थे, अल्लाह ने उनके जहन में यही चीजें रखी थी फहम में, ताकि तब के लिए इंसान को पता लग जाए हकीकत कौन है। उम्मती से होंगे इल्ला मन अबा, वो कौन लोग इसके बारे में, बिल्कुल वो नहीं जा सकते, कौन है, कौन सा स्टैंडर्ड रखा, कौन नहीं जाएंगे, जो भाई गलती से नमाज नहीं पढ़ता है, कोई गलती से रोजा नहीं करता है, ये सुस्त है, गफलत करता है, अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह ताला उसको माफ भी करता है, एक चीज तबका है ना,
देखिए अबा नहीं है, मैंने अबा कबा लो कहते कितने लिखे हैं, ये कितने जरूरी है जी, दसो तुम कि इस्लाम को बनाया जी, आपने कौन सा इस्लाम बना दिया कि बाहर जाके लड़की काम ना करें, फलाना करें, ये ना हो और ये ना हो तो कमाए ना, तो ये कौन सा आपने इस्लाम बनाया जी, किस किस्म की बात है ये है। मैंने अबा फरमाया सब जन्नत में चले जाएंगे लेकिन इलाम नवा जिन्होंने सरकशी की, सरकशी कैसे पूरा किला नवा सलम, बात हमें समझा दी क्या चीज है सरकशी का मतलब, कौन है वो लोग नहीं जाएंगे, नमाज ही पढ़ते हैं, रोजा भी करते हैं, हज भी करते हैं, ज़कात भी करते हैं, लेकिन कौन है वो अबा है, अबा कौन है, का लमन अता नहीं दखला जन्नत, कि सिर्फ सिर्फ जन्नत में मेरे उम्मत में से वो लोग जाएंगे कि जिन्होंने मेरी दीन की, मेरे अहकाम की, मेरी शरीयत की, मेरी सुन्नत की इत्तबा की होगी, बोले सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहे हैं जो दीन लेकर आए हैं, ये कोई मौलवी नहीं कह रहा, कोई मुफ्ती नहीं कह रहा, कोई पीर साहब नहीं कह रहे, ये वो गल्ले कह जो दीन लेकर आए हैं, दीन दिया है हमें, जिनकी वजह से हमने अल्लाह को माना, अल्लाह को पहचाना। तो ये भी रद्द कर दें, बात करें ये भी छोड़ो जी, की किसी के लिए गलां करते पे दुनिया चाहे कमाओ जी कुछ करो, नहीं जाएगा कोई भी उम्मती में से मेरे जन्नत में, सिर्फ जन्नत में वो लोग जाएंगे मन अता अनी। यहां एक और सुनने नुक्ता करने की बात की है, यहां ये नहीं कहा कि जिसने अल्लाह की इताअत नहीं की, सुभान अल्लाह, ये नहीं कहा कि जिसने अल्लाह की इताअत नहीं की या अल्लाह के अहकामात में, यहां अपनी बात की कि मैं अमन अता अनी, तो पता ये चलता है कि नबी पाक पर ईमान लाना और आपकी सफात, आपकी तालीमात, आपकी शरीयत और आपकी सुन्नत को जब तक इंसान नहीं मानेगा वो अल्लाह को भी नहीं मानने वाला। तो अल्लाह के नबी ने अता नहीं कहा, ये नहीं कहा कि अता अल्लाह, ये नहीं कहा कि जिसने मेरी इताअत नहीं की, सुभान अल्लाह, क्योंकि नबी करीम सल्लम की मार्फत हम तक जो पहुंची अल्लाह ताला की हस्ती को, उसके सफात को पहचानने के लिए, सबसे पहले हम नबी करीम के ईमान लाना होगा, आपकी सदाकत पर ईमान लाना होगा, आपकी सुन्नत और तरीकों को हम लाजिम समझेंगे। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे अल्लाह ताला की पूरी पूरी इताअत कैसे कर सकते हैं, अल्लाह तक कैसे पहुंच सकते हैं, तो पता चला कि आप की इतबा पर, सुन्नत पर ही हम अल्लाह राजी, अल्लाह को राजी कर सकते हैं, अल्लाह तक पहुंच सकते हैं। तो नबी इसी तरफ इसलिए फरमाते हैं कि पूरी पूरी मेरी इताअत और फरमाबरदारी तुम पे लाजिम है अगर तुम अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो। वो कहते हैं कितने लिखे इन नाफिक है, जिसने सरकशी की, सरकशी साहबा ने पूछे क्या सरकशी, फरमाया जिसने मेरी इताअत की वाहिद वही लोग जो हैं जन्नत में जाएंगे, यदखुलुन जन्नत इल्ला मन अबा, कालमन अतानी दखल जनता वमन असानी फकत अबा, सुभान। और जिसने मेरी नाफरमानी की, मेरी अल्लाह की कहा मेरी, जिसने मेरी नाफरमानी की, मेरी शरीयत को न माना, मेरी सुनन को न माना, मेरे तरीके पे न माना, पेट नमाज पढ़ता रहा, रोजे करता रहा, हज करता रहा, ज़कात करता रहा, और जब कहा कि शिकल सूरत बनाओ जी, अपने हुलिये सही करो, अपने फलां करो, वो गैरों की मुशाबत चलते रहे, आधे तीधे आधे बटे, सारा कुछ गैरों का, सारा कुछ गैरों का, बस ये कि दिखाने के लिए जहर है, पूरी मस्जिदों पे कब्जे, खानकाबों पे कब्जे, इधर भी कब्जे उधर भी कब्जे। अल्लाह का नबी ने सारी बात बता दी, अल्लाह ने क्लियर कर दिया कि इनके कहने पे क्या कहते हैं आप, कहना पे ना माने, मुमन ना से मन ये कूला मिल्ला है कूलो, ये ईमानदार नहीं है, बल्कि कौन है जो हाथ में, ये तो पक्के पक्के रिसीवर हैं, चालबाज हैं, धोखे दे रहे हैं, जिनका अकीदा ये कि हम अल्लाह को भी धोखा दे रहे हैं, उसको क्या पता हमारे अंदर क्या है, तो हम हाथ हज कर अल्लाह हमसे राजी है, हम हज कर लेंगे, उड़े कर लेंगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया ना लाजिम है मन अता नहीं फकत अबा, मेरी अतात ना कि वो है सरकशा दे, वो है सरकशा दे। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को जो अल्लाह सुबहान ताला के इताहात कोई बस समझते हैं जी बस ठीक है ये काफी है,
इतने लकम चल रहे हैं। नहीं भाई, लेकिन बिन फरमाया मन अतानी, मन अतानी मेरी इताअत, मेरी इताअत, मेरी नाफरमानी मन नसानी फकत अब। लाजिम है, लाजिम एक ईमान वाले के लिए, अगर मोमिन कहलाना चाहता है अल्लाह के हाथ, उसके लिए लाजिम है नबी पाक की इताअत, शहीद पे चलना गुना, ये तो एक चीज है। अकीदा रखने से ईमान का हिस्सा ही होना, इस पर अमल करना, ये ना कहना नहीं जी कैसे, ये एतराजात ना हो, ऑब्जेक्शन ना हो, बल्कि इसी को समझे सब कुछ है, जो कुछ नबी की इताअत और जो कुछ आपकी सुन्नत है, जो को तरीका है, कुछ नहीं इसके बगैर, ना नमाज है, ना रोजा है, ना हज है, कुछ भी नहीं, सब ड्रामे ही आप देख रहे हैं। अगर जिक्र करते हैं कि इसके क्या वैल्यू है, कुछ भी नहीं। सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात आपके जो है कुरान की, ये समझने वाले दोस्तों देखिए कुरान कैसे कैसे, पहली बात पक्की समझा दी है, काफिर कौन होता है, मोमिन कौन होता है, मुनाफिक कौन होता है, किस वजह से तीन दर्जे बनते हैं, पहला अल्लाह और रसूल को मानते ही नहीं है, दूसरा मोमिन दोनों को मानता है, तीसरा जो है बस जहर इस्लाम को बनाता है, अल्लाह के नबी के साथ उसकी दुश्मनी होती है, शरीयत के साथ दुश्मनी है, पक्का आशिक रसूल है, पक्का आशिक रसूल, सब काम करेगा आगे पीछे वाले, बस मानने नहीं बात, आशिक रसूल ही वही है आजकल, सब पक्के आशिक रसूल है। बस कुरान हमें एक चीज सिखा रहे हैं यहां पर, अल्लाह अमन नसा ने फकत अबा, अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि अगर तुम देखना चाहते हो, किसी को नेक कहना चाहते हो, किसी को आप बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ी नेक औरत है फलाए, तो इन चीजों को मत देखो, जो चीजें तुम समझ रहे हो रोजा हज ज़कात, किस चीज को देखना है कि वो शरीयत और सुन्नत पे कितना चलता है, उसके घर में, उसके बाहर में, उसकी जिंदगी में किस कदर दर्जे की शरीयत और एहतियात है सुन्नत की उसकी जिंदगी के अंदर, जहन नमाजें रोजा, जहर जब ये शरीयत सुन्नत पे चलेगा तो ये तो ऑटोमेटिक उसके अंदर होगा, पांच वक्त का नमाजी होगा, जमात के साथ पढ़ेगा, रोजे करेगा, हज भी करेगा, पैसे ज़कात भी करेगा, ऑन टॉप ऑफ दैट अंदर से खाली नहीं, बल्कि फिर उसका हर तरीका जो होगा वो किसके मुताबिक होगा, शरीयत सुन्नत के मुताबिक होगा, तो जिसका तरीका शरीयत सुन्नत के मुताबिक हो तो जहर उसका जहर माल तो खुद ब खुद होंगे, सही ठीक होंगे। तो फरमाए जाहिर देख के आप तारीफें शुरू ना करते, बड़ा नेक बंदे है जी, बड़ी नेक औरत है जी, फला नहीं, नहीं देख, नेकी और बदी का पता उससे चलता है कि जो शरीयत पे चलता है, इसकी जिंदगी शरीयत के मुताबिक है, सुन्नत के मुताबिक है, नबी तरीक आशिक वो ही है, बेशक उसको रोना नहीं आ रहा, बेशक को नाते ज्यादा नहीं सुनता, बेशक को रोजे पे ज्यादा हाजिर दे नहीं सकता, बेशक को नहीं जा सकता, बेशक वो बुदूर है, ठीक है ना, बेशक वो लंबे लंबे मतलब मुआफिर और मंजिल से महफिलें नहीं कर सकता, लेकिन उसका तरीका जो है शरीयत सुन्नत वाला है, वो अल्लाह की किताब है, वो आशिक है, उसका नाम आशिक रसूल है। घर हमारे कैसे, हालात हमारे कैसे, छुपते फिरते हैं कि वो नफा गई कभी ना करना, ये हरकत जिंदगी में याद रखें कि अमल आप इसलिए गएंगे, दुनिया कहेगी अगर मैं ये काम नहीं किया तो दुनिया पहचान देगी, उनको पता लग जाएगा, मेरे हजरत पीर साहब को पता लग जाएगा, उनमें नहीं अल्लाह से डरे, नफाक है कि किसी बंदे से डर के, किसी चीज से डर के आप कोई काम करें, नहीं अल्लाह के डर, अल्लाह से डर के काम करें कि अल्लाह क्या कहेगा मैंने झूठ बोला तो, अल्लाह क्या कहेगा मैंने सूद खाया, अल्लाह क्या कहेगा मैंने गाने बजाने सुने, अल्लाह क्या कहेगा मैंने ये काम किया, मैं नहीं करता। ये है मोमिन की शान, बाकी रहा तो गुना था, मोमिन से होता है क्यों नहीं होता, कभी गलती हो जाती है, कभी ऐसी उस पर उनके लिए इस्तग़फ़ार होते हैं, रोते हैं, अल्लाह माफ़ फरमा देता है उनको, अब टर्न हो गया, कुछ चोटी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ने उनका तरीका बताया कि तुम फौरन गलती की माफी मांग लो उससे, उनकी गलती ये नहीं होती कि वो कहते हैं शरीयत खिलाफ है, हम सुन्नत के खिलाफ चलने से नहीं होती, बल्कि यह है कि उनसे गलती होती हुई, गुना हो गया आपको कहा ये वो, तो आदमी से तो अब यहां कुरान ने एक चीज बड़ी खूबसूरत बताई है कि भाई उनका जहर बिल्कुल मोमिनों वाला है, तो
अंदर क्या हो गया, तूफान क्यों मच गया, एक तो काफिर तो है, चलो उसने माना ही नहीं कि सारी कसम लग गया। तो ये तो कहते भी हम अल्लाह को मानते हैं, आखिरत को मानते हैं, उसको मानते भी हैं, तो फिर ये मुनाफिक कैसे बन गए, इनके क्या हो जाए, ईमान के बाद नफा कैसे न आ गया। अल्लाह ने बहुत खूबसूरत इस तरीके से बात को समझाई है, फिर قلوب بهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عظيم بما كانوا يكسبون। ये एक और लकवा गया के लिए, फ्रॉडी झूठे दगाबाज अल्लाह ने इनको कहा है, और ये एक लोग यकज़िबून झूठे दगाबाज भी हैं, झूठे हैं ये लोग, झूठ बोल रहे हैं कि हम जनाब बड़े ठीक ठाक खर्चे पूरे करने वाले लोग हैं, झूठे भी हैं साथ। अच्छा क्यों हुए ऐसे, क्या वजह से हो जाती है, इसके मिसाल मैं आपको देता हूं। एक के पास तो जमीन है, लैंड, दूसरे के पास, एक के पास जमीन नहीं है, है ही नहीं जमीन, दूसरे के पास जमीन है, ठीक है ना, और जमीन पे वो काश करना चाहता है, एक के पास तो है ही, एक के पास जमीन है और काश करना चाहता है, और एक के पास जमीन है और काश भी करना चाहता है लेकिन वो जमीन की हिफाजत नहीं करता। एक के पास है नहीं, एक के पास है तो जमीन की हिफाजत करता है और काश करना चाहता है, एक के पास जमीन है और काश करना चाहता है लेकिन उसकी हिफाजत नहीं करता, तो फर्क क्या हो, जिसके पास नहीं है तो उसको तो खैर पसंद मिलेगी नहीं, किस्सा खत्म। ये काफिरों की मिसाल है, उनके पास ईमान है ही नहीं, उनका तो सवाल नहीं पड़ता। और एक पास जिसके पास जमीन है यानी उसके पास ईमान मौजूद है, ईमान मौजूद है उसके पास, और वो काश भी करना चाहता है यानी अमाल करना चाहता है, तो क्या करता है, उस जमीन की हिफाजत करता है, उसकी देखभाल करता है, उस पर कोई गंदे जड़ी बूटे नहीं आने देता, उस पर स्प्रे करता है, उसमें जरासीम कुछ दवाएं डालता है ताकि वो जमीन साफ हो, तो उस पर बेहतरीन फल ले लेता है, वो बेहतरीन चीजें ले लेता है, ये मोमिन है। और तीसरी मिसाल, उनके पास ईमान तो आ गया, कहते भी हैं ईमान मुसलमान है, लेकिन उन्होंने जमीन की हिफाजत नहीं की, उस जमीन की हिफाजत नहीं की और काश करना चाहते थे, तो हिफाजत ना, जिस जमीन की हिफाजत ना की जाए वहां पर जंगली पौधे पैदा हो जाते हैं, जंगली चीजें पैदा हो जाती हैं, गंदी बूटियां पैदा होती हैं, वहां तो काश हो ही नहीं सकती, जमीन पथरीली हो जाती है, काश कर नहीं सकता। ये मुनाफिक की मिसाल है, काफिरों की मिसाल तो है ही नहीं जमीन, वो तो भारी है, मोमिन की मिसाल जमीन है लेकिन उसकी हिफाजत करता है, देखभाल करता है, सफाई करता है, तो उससे फल ले लेता है, अल्हम्दुलिल्लाह ईमान के पूरे फल आते हैं, शरीयत और सुन्नत बाकायदा अमल करता है। लेकिन एक आदमी ईमान तो कहता है मैं ईमानदार हूं, ईमान पढ़ता भी है सब कुछ, तो वह है कि जमीन है लेकिन जमीन की उसने हिफाजत, दिल की हिफाजत नहीं की उसने, जब दिल की हिफाजत नहीं की तो उसमें जड़ी बूटी उठ गई, फिर قلوب بهم مرض سبحان اللہ। इस सारे मर्ज जो नफाक के हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं ये इंसान के दिल के अंदर से पैदा होते हैं, क्यों, कि जब दिल की हिफाजत इंसान नहीं करता, आज अल्लाह ने मुझे ईमान दे दिया, आपको ईमान दे दिया, जैद को दे दिया, बकर को दे दिया, दे दिया, अब इसके साथ दूसरी चीज क्या है कि हम अपने दिल की हिफाजत भी करें, उस दिल की हिफाजत नहीं करेंगे तो शैतान जन्नात सारे इस पर नफ्स उस पर काबू आ जाएंगे और फिर उसमें नफाक पैदा शुरू कर देंगे, इतना कमजोर कर देंगे उसको इंसान को कि वो फिर शरीयत और सुन्नत पर अमल कर सकता। तो कुरान ने साथ एक इलाज बता दिया कि अगर तुम नफाक से बचना चाहते हो, इस तीसरे दर्जे से बचना चाहते हो, ईमान बनेंगे, तो तुम्हारे लिए लाजिम सबसे बड़ी चीज जो है वो क्या है, अपने दिल की हिफाजत का ख्याल करो, ठीक है, दिल के अंदर ये मर्ज पैदा होगा तुम्हारे, जब पैदा हो जाएगा फजादहुमुल्लाह मरदा और तुमने इसकी एहतियात नहीं की, फिर वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये कोरोना नहीं आया, जो कोरोना हमारा, सब कहते हैं एहतियात करो एहतियात करो, हाथ में मिलाओ तो फुलाना करो, क्योंकि बढ़ रहा है, ये बढ़ता है अगर एहतियात नहीं करेंगे। एक घर में एक आदमी को हो गया, उसने एहतियात नहीं तो सारों को हो जाएगा। इसी तरह ये नफाक का मर्ज अल्लाह ताला कहता है जो इंसान के दिल में आता है, अगर उसके पास ईमान है उसमें अपने दिल की हिफाजत भी कर ली तो उसका ईमान महफूज हो जाएगा, फिर वो शरीयत और सुन्नत वाला ईमान बन जाएगा उसका। तो आज जब हम ये कुरान की आयत सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह साहिब ईमान भी है,
हम तजिया करें अपना मन, देखिए कि हमने शरीयत और सुन्नत के कितना फुकदान है, कितनी कमी है। क्या कहते हैं हम इसके बगैर अपने आप मुसलमान समझते हैं? बहुत पटेखा समझते हैं ना, हमको जन्नत मिल जाएगी, हम बहुत नमाजी हैं, फाजी नहीं। हमें देखना ही चाहिए सबसे पहले कि नबी बंग शरीयत और सुन्नत के मुताबिक हमारी जिंदगी है ईमान के साथ, क्या हमारा खाना पीना उठना चलना फिरना रिश्तेदारी अखलाक सारा का सारा नबी हमें सुन्नत के मुताबिक है, शरीयत के मुताबिक है। नहीं है तो समझ जाए दिल हमारा गंदा हो गया है, तो फौरन अपने दिल की हिफाजत शुरू कर दें। अल्लाह सुभान व तआला ने दिल की हिफाजत के तरीके कुरान में बहुत बताए हैं, इंशाल्लाह कल इस पर बात होगी जो बहुत अहम टॉपिक है। जिसने दिल की हिफाजत कर ली अल्हम्दुलिल्लाह मुनाफिक हो ही नहीं सकता, नफाक आ ही नहीं सकता, तो पक्का सच्चा मुसलमान होता है जिसने अपने दिल की हिफाजत कर ली। दिल की हिफाजत के तरीके का नाम जो है ये तस्किया है, ये सूफियज्म है, जिसके अल्लाह ने कुरान में आन फरमाया कि हम किताब अब हिकमत जो रखे हैं, कुरान का बताया, हिकमत की बातों का बताया, दो चीजें, लेकिन सबसे आखिर में रखा कि इन दोनों चीजों को उसी वक्त हासिल कर सकोगे जब तुम साथ साथ अपने दिल की हिफाजत भी करोगे, वरना नफाक आ जाएगा, तुम दोनों चीजों को छोड़ दोगे। इसकी वैल्यू उसी वक्त है कुरान की और अहकामात खुदाबंदी की, हिकमत फरमाया उस वक्त तक चल वैल्यू तुम उसकी महसूस करोगे जब तुमने अपने दिल को साफ और शफाफ रखा, तस्किया कराया। देखिए कितनी बड़ी अहमियत, आज जो नफाक हमारे में फैल गया, मुनाफ़ा जो बढ़ गई है ईमान वालों से, आज इनकी तादाद बढ़ गई, इसकी वजह यह है कि हमने तस्किये को खत्म कर दिया। तस्किया एक मजाक बन गया है, सूफीज़म एक मजाक बन गया है, पीरी मुरीदी बन गई है, बस एक रवायती चीज बन गई है, रवायती चीजें, यानी आओ जी बैत हो जी, आओ जी बैत कर, आपके कितने मुरीदी हैं, हमारे ही हैं, आओ जो भी आ रहा है उससे ताल्लुक है, उनकी उससे खिलावत मोल ली है, उससे फना ये हुआ है, उससे फना हुआ, या असल चीज भूल गए कि इस्लाह देखें अपने, हम इस्लाह के लिए जाते हैं किसी इंसान के पास, इस्लाह की चीज की, आंखों की नाकों की, कि आप नाक सही करानी है, आंख सही करानी है, इस्लाह का मतलब क्या है कि हम शरीयत और सुन्नत पे चलें, हमारी जिंदगी का मियार शरीयत, इसको इस्लाह कहते हैं। बेइस्लाह इंसान वो होता है जो अपनी मनमानी पे चलता है, इस्लामंद इंसान वो होता है जो शरीयत सुन्नत पे चलता है। तो हम अपनी मनमानी को छोड़कर शरीयत और सुन्नत की जिंदगी पे चलने के लिए किसी शख्स के पास जाते हैं अल्लाह को, और कोई वजह नहीं है इसकी। अब जाने के बाद यू भी आपने बैत हो गए, सब कुछ हो गए, और रहे वो डब्बे के डब्बे, बंदर के बंदर, घर भी वैसा, सब कुछ भी वैसा, बस थोड़ा सा ले लिया, थोड़ा छोड़ दिया, वो तो नफाक मुनाफिक, बड़े मुनाफिक हों दुख, तो तुम सब अल्लाह को, ईमान वालों को, और ऐसे लोगों को जिनके टीचर उनको भी धोखा दे रहे हैं, वो लोग अभी तक अपनी जिंदगी को बदल नहीं सीखे, ना औरत हो ना तो फैन इंसान, तुमते हैं तो लानते भेजते हैं कुरान में, अल्लाह ने को कहा काजिब है, झूठे हैं, फ्रॉडी हैं ये लोग, हर जगह फ्रॉड कर रहे हैं, अल्लाह से फ्रॉड कर रहे हैं, और अपने उस्तादों से जो कुछ सिखाने वाले हैं, जो शेख हैं, उनसे भी फ्रॉड कर रहे हैं। तो फी कलूबिहिम मरदुन, अल्लाह ने इसके बारे में तरकीब बताई है कि भाई अपने दिल को, जो बंदा अपने दिल की हिफाजत कर लेगा ईमान लाने के बाद, सिर्फ ईमान ही जो है वो काफी नहीं है जब तक कि उस ईमान की हिफाजत ना की जाए, हिफाजत नहीं करेंगे तो मुनाफिक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इस पर कल देखते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने दिल की हिफाजत के लिए क्या कुछ फरमाया है, बहुत अहम टॉपिक है। जो अलम किताब और हिकमत अब तक देखते रहे, आओ युजक की हिम की तरफ देखते हैं कि अल्लाह के नबी तीन चीजें साथ लेकर आएंगे, दो तो पकड़ लें हम, कुरान तो पकड़ लें, तो हम तस्किये को छोड़ दें। एक गाड़ी के दो पहिए तो सही हुआ, दो खराब हो तो गाड़ी कैसे चलेगी भाई, गाड़ी नहीं चलेगी, वही तो है हमारी गाड़ी चल नहीं रही आज, आज पूरा माशरा हमारा मुनाफिक हो गया सारा कि हमने तस्किये को छोड़ दिया। अल्लाह पाक हम पे करम फरमाए, हम सबको अपनी मर्जियात अपने हबीब सर की सुन्नत पे चलने की और शरीयत पे चलने की तौफीक नसीब फरमाए, और यही सच्चा पक्का दीन है। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
هو ياسين الحبيب الأمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي أزواجه أمهاته المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم وإنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وأجرنا وجلنا وخطبنا ولنا كل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وأنت أعلم به أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لي شأني كله ولا تقلني إلى نفسك ضعيف يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت المستقيم الشهداء والصالحين الرسل والملائكة رفيقا. يا الله تبني فضل السلام عليكم ونحكم ما فرما يا الله أمان ذكر فكرك ما في القول فرما اے میرے مولا جو کچھ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے تم نے پڑھوایا میرے مولا ہے اس میں سمجھ اور فہم نصیب فرما اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے میرے مولا زندگی ہم سے غلطی ہوئی میرے مولا اس کی معافی کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اس پہ معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرما. تو بڑا کرم کرنے والا ہے بڑا رحم کرنے والا ہے میرے مولا. موت سے پہلے پہلے جب اپنے جرم کا اعتراف کر کے تیرے سامنے جھک جائے میرے مولا نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یا اللہ تو ہمارے دل کھول دے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو میرے مولا معافی مانگنے والے ہوں تیرے سامنے میرے مولا. نفاق کو شیطانیت کو منافقت کو میرے مولا ہمارے دل سے نکال دے. پیارے حبیب تم سچی محبت جو آپ نے فرمائی ہے اطاعت کی میرے مولا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے میری شریعت پہ چلتا ہے میرے مولا ایسی محبت کرنے والا ہمیں انسان بنا دے. دھوکے سے فراڈ سے جھوٹ سے ہمیں دور نکال میرے مولا. جن حضرات نے اپنی دعاؤں کے لیے کہا ہے اپنی حاجات کے لیے اپنی بیماروں کے لیے یا کسی مشکلات کے لیے میرے مولا ان تمام لوگوں کے حق میرے مولا دعاؤں کو قبول فرما. تو مجلس میں ذکر کے اندر میرے مولا دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تمام لوگوں کے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے میرے مولا ان سب کی دعاؤں کو قبول.